पहले चंदौली का रुख कर लेते हैं, जहां पर चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र को एक परिवार मान करके, एक भावनात्मक रिश्ता वहां के लोगों के साथ जोड़ करके और विकास के साथ साथ उन संबंधों को एक अहमियत देते हुए कैसे हम भावनात्मक रूप से कार्यकर्ता को एक परिवार का हिस्सा मान करके उनके माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, उसका आदर्श देखना हो तो वास्तव में चंदौली लोकसभा सीट डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी के नेतृत्व में उस दिशा में आगे बढ़ी है। मैंने देखा है कि विकास की जब बात होती है तो चंदौली लोकसभा सीट के लिए उन्होंने उस हद तक जाकर के कार्य किया है। मैं जानता हूं कभी आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं हो सकता था, लेकिन चंदौली लोकसभा सीट के लिए कितनी पीड़ा उन्होंने झेली केंद्रीय विद्यालय के लिए। पहले मुझसे लड़े और कहा कि एयर स्ट्रिप की जितनी जमीन है ये केंद्रीय विद्यालय को दे दीजिए। मैंने कहा नियम में संशोधन करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा देखिए मेरे क्षेत्र की जनता के लिए संशोधन भी करना पड़े तो हमें जमीन चाहिए और जनता को केंद्रीय विद्यालय चाहिए।